Hello children, today we are going to study a EVS NEET chapter experiment with water, and we will do a different kind of many experiment in this chapter. This chapter starts from Aisha. Aisha is a little girl and her mother is cooking her favorite food, and her favorite food is puri and spicy potatoes. तो वो अपने ध्यान से अपनी मम्मी को देखती है. उसकी मम्मी उसके लिए पूरी बना रही है. तो सबसे पहले वो पूरी के आटा, जो डो है गुदा आटा, उसका रोल लेती है और उसको रोल आउट करती है. रोल आउट करके उसकी पूरी बनाती है, और पूरी बनाने के बाद वो हॉट ऑयल में उसको डालती है. तो वो देखती है ऐसा कि जैसे ही वो हॉट ऑयल में जाता है, पहले तो पानी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है. उसके बाद जैसे पफ अप हो जाता है, वो फूल जाता है, तो सरफेस पे आके फ्लोट करने लग जाता है. तो ये भी देखती है जो दूसरी पूरियाँ हैं जो अच्छे से फूली नहीं है, वो ऑयल में सिंक हो जाती है, वो अच्छे से उतने अच्छे से फ्लोट नहीं करती है. तो आयशा भी एक डो लेती है, डो का बॉल लेती है, उसके बाद उसे फ्लैट करके पूरी सेप बनाती है, और उसके बाद एक बॉल में वाटर लेके उसमें उसको डुबोती है. तो वो देखती है अरे ये तो पानी में सिंक हो जाती है. क्या होता अगर ऐसा ऐसा करती, अगर ऐसा हुआ होता. ऐसा पुट अ पप्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर. अगर ऐसा ने एक पप्ड पूरी, फूली हुई पूरी पानी में डाला होता तो क्या होता. तो ये क्या होती, ये पानी में फ्लोट होने लगती. और अगर ऐसा ने स्टील की प्लेट डाली होती और स्पून डाला होता या प्लास्टिक की कैप डाली होती, तब क्या होता. द स्टील प्लेट फ्लोट ऑन द वाटर एंड द प्लास्टिक बोटल कैप इट ऑल्सो फ्लोट ऑन द वॉटर वाइल द स्पून इट सिंक्स एट द बॉटम ऑफ द वॉटर. शाम को आयशा की मम्मी उसे कहती है कि आयशा देखो तुमने फिर से साबुन पानी में डाल दिया है, तुम इसे निकालो और सोप केस में रखो. तो आयशा बहुत जल्दी में होती है, उसके हाथ से सोप केस गिर जाता है और वो प्लास्टिक का होता है, और वो पानी में फ्लोट करने लग जाता है. जब आयशा इसे देखती है तो वो जेंटली अच्छे से साबुन को धीरे से सोप केस में रख देती है, और वो देखती है कि जो सोप केस है वो साबुन के साथ पानी में फ्लोट करने लगता है. तो आपके माइंड में भी आता होगा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं और कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं, और ऐसा क्यों होता है. जैसे कि बच्चा यहाँ पे सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वुडन बोर्ड जो है वो पानी में फ्लोट करती है, जबकि जो नीडल है, आयरन नेल है, ये पानी में डूब जाती है. और यहाँ तक कि जो बहुत बड़ी बड़ी सिप होती हैं आयरन की बनी हुई, वो इतनी भारी होती है लेकिन फिर भी वो फ्लोट करती हैं. लेकिन उसी आयरन की जो नीडल बनी रहती है, वो लीफ की तरह हल्की होती है और फिर भी वो क्या होती है, पानी में डूब जाती है. तो ऐसा क्यों होता होगा. चलो हम जानते हैं फ्लोट और सिंक के बारे में. तो बच्चों जब भी कोई चीज़ पानी में डुबोई जाती है तो वह अपना उसमें पानी में अपने लिए जगह बनाती है. जैसे आप जब कहीं बैठते हैं तो बैठने से पहले आप अपने लिए स्पेस बनाते हैं, तो वैसे ही जब कोई चीज़ पानी में डूबती है या डुबोई जाती है तो वो पानी में अपने लिए जगह बनाती है, और उसके लिए वो पानी को डिस्प्लेस करती है, उसकी जगह से हटाती है. जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, यह आयरन मेटल जैसे ही पानी में डुबाया जाता है ये पानी को डिस्प्लेस कर देता है, और ये डिस्प्लेस वाटर हमने दूसरे बीकर में कलेक्ट कर दिया है. तो बच्चों जब भी कोई चीज़ पानी में डूबती है तो उसमें दो फोर्स काम करते हैं. पहला फोर्स होता है डाउनवर्ड फोर्स. आपको बहुत अच्छे से पता है डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है. जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे गिर जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड फोर्स. तो और दूसरा जो फोर्स होता है उसे कहते हैं अपवर्ड फोर्स. और अपवर्ड फोर्स कौन निकालता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है वाटर, लिक्विड. जिसमें कोई ऑब्जेक्ट डुबाया जाता है वो लिक्विड या वाटर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, अपवर्ड फोर्स क्रिएट करता है. किस पर, ऑब्जेक्ट पर जिसको पानी में डुबोया जाता है. तो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा इक्वल होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के. इसका मीन्स कि जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा वेटेड होगा, भारी होगा, उसका डाउनवर्ड फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. जैसे कि आयरन का कोई मेटल है वो भारी होगा तो पानी में डूब जाएगा, ऐसे ही कागज है, कॉटन है, वो हल्का होता है, लेस वेटेड होता है, तो पानी में फ्लोट करने लगता है, उसका डाउनवर्ड फोर्स कम होगा. तो अपवर्ड फोर्स क्या होता है बच्चों, अपवर्ड फोर्स को हम बायंट फोर्स भी कहते हैं, और बायंट फोर्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो ये अपवर्ड फोर्स जो होता है वो हमेशा बराबर होता है इस डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर. तो बच्चों अब ये
आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि इतनी बड़ी सिप जो इतनी भारी होती है, वेटेड होती है, और वो कितना ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स भी क्रिएट करती होगी, तो फिर भी वो तैरती कैसे है? बच्चों तो ओब्वियसली सीधी सी बात है कि ये इसलिए तैरती होगी क्योंकि इसका अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन इसका अपवर्ड फोर्स होता ज़्यादा कैसे होता है? तो इस सिप में भी दो फोर्स लगते हैं, पहला है डाउनवर्ड फोर्स और दूसरा फोर्स है अपवर्ड फोर्स। इसका डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होता है इस सिप के वेट के बराबर। तो सिप का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो डाउनवर्ड फोर्स भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो अपवर्ड फोर्स है, जिसे हम बायंट फोर्स भी कहते हैं, वो इक्वल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ लिक्विड। तो जब ये सिप पानी में जाती है तो बहुत सारा पानी डिस्प्लेस करती है, क्योंकि जो सिप होती है वो शेप में बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये पानी में और इसके ऊपर हॉलो स्पेस होता है सिप के ऊपर, और ऊपर खाली स्थान होता है और नीचे जो होता है इसका बहुत ज़्यादा एरिया होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हटाती है, डिस्प्लेस करती है, और इस डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है वो इस सिप के वेट से भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये दिस सिप फ्लोट ऑन द वाटर। तो बच्चों आपके माइंड में ये आता होगा कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल कैसे पानी में डूब जाती है? ये भी तो बहुत हल्की होती है, तो ये हल्की होती है तो इसका वेट भी वेट कम होता है, तो ये इसको तो पानी में तैरना चाहिए, तो फिर ये डूब क्यों जाती है? तो बच्चों इस कील में भी दो फोर्स काम करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स। लेकिन आप देखेंगे कि जब कील को पानी में डुबोया जाता है तो ये आयरन नेल बहुत कम अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस करती है, और ये वो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो इस नेल के वेट से भी कम होता है, इसलिए इसमें अपवर्ड फोर्स बहुत कम होता है और डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये पानी में सिंक हो जाती है, डूब जाती है। Now, what do you understand by the buoyant force or buoyancy? तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि buoyant force होता है upward force, और ये upward force लगाता है liquid object के ऊपर। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, when an object is immersed in a liquid, जब कोई object पानी में immerse किया जाता है, means कि डुबाया जाता है, डूबता है, the liquid exert an upward force on object known as buoyant force। तो लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं buoyant force, और दिस इज कॉल्ड buoyancy। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं buoyancy। तो बच्चों अब यहाँ पे एक आपको कॉलम दिए गए हैं, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है और आपको डिफरेंट तरह के आइटम्स आपको कलेक्ट करने हैं और उन्हें पानी में डुबो के देखना है कि वो फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं। इसमें तीन कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स के नाम, एम्प्टी कटोरी एंड 6-7 पेबल्स, मैचस्टिक आयरन नेल, और सेकंड कॉलम आपको दिया गया है जिसमें आपको लिखना है कि एक्सपेरिमेंट से पहले आप क्या सोचते हैं, आप क्या गैस करते हैं कि ये डूबेंगे या तैरेंगे। अब एम्प्टी बॉल, आप क्या सोचते हैं कि ये पानी में डूब जाएगी या तैरेगी? तो मुझे तो लगा कि ये पानी में तैरेगी तो मैंने इसलिए राइट टिक किया है। और जो चीज़ें आपको लगता है कि ये पानी में सिंक हो जाएंगी उनके लिए आपको क्रॉस मार्क करना है। तो मुझे लगा कि पेबल डालने के बाद ये तो डूब ही जाएगी तो मैंने इसमें क्रॉस मार्क किया है। तो एक्सपेरिमेंट से पहले आपके जो भी गैस हैं आप इसमें राइट टिक या फिर क्रॉस मार्क्स करेंगे। आप राइट टिक करेंगे फ्लोट्स के लिए और क्रॉस मार्क्स करेंगे सिंक के लिए। तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। दिस इज एम्प्टी बॉल और कटोरी, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, एंड व्हेन आई पुट पेबल्स इन दिस कटोरी इट स्टिल फ्लोट्स। This is iron nail and pin. It sinks. This is aluminium foil, sprayed aluminium foil. It floats. This aluminium foil in katori shape or ball shape. It also floats. This is tight
टाइट एल्यूमिनियम फॉइल, इट सिंक्स एंड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द वॉटर. सोप, इट सिंक. This is plate, plastic plate. It also floats. And when I put this soap on this plate, it also floats with this plastic plate. This is ice. Ice also float on the water surface. Empty plastic bottle floats on water. This is half-filled plastic bottle. It floats on water surface. This bottle is full of water. It sink. So, after this experiment, we will write our actual observations. तो हमने देखा कि जब हमने एम्प्टी बॉल को पानी में डाला तो ये पानी में फ्लोट करने लगी, जो कि मैंने पहले से ही गैस किया था. ऐसे ही जब हमने इसमें 6-7 स्मॉल पैबल्स डाले तो उसके बाद भी इट स्टिल फ्लोट, लेकिन मैंने सोचा था कि ये डूब जाएगी. ऐसे ही आयरन नेल, जो मैंने सोचा था कि ये पानी में तैरेगी क्योंकि ये तो बहुत छोटी है, लेकिन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन आई सॉ दैट इट सिंक एट द बॉटम, ये पानी में डूब जाती है. लेकिन मैचस्टिक, एक माचिस की तिल्ली, ये पानी में फ्लोट करती है. एम्प्टी प्लास्टिक बोटल, इट ऑल्सो फ्लोट. एंड हाफ फिल्ड वाटर बोटल, इट ऑल्सो फ्लोट. लेकिन जो फुल वाटर बोटल है, इट सिंक एट द बॉटम. ऐसे जब हमने एल्यूमिनियम फॉयल के साथ एक्सपेरिमेंट किए तो ये द एल्यूमिनियम फॉयल विच इज स्प्रेड, इट फ्लोट. बट वेन इट इज टाइटली बॉल्ड, जब इसे हमने टाइट बॉल बना दिया, इट सिंक. और कप शेप एल्यूमिनियम फॉयल, इट ऑल्सो फ्लोट. एक सोप केक, जो साबुन है, वो पानी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है. बट वेन वी कैप्ड इट ऑन द प्लास्टिक प्लेट, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग. एंड पीस ऑफ आइस, इट ऑल्सो फ्लोट. तो बच्चों, आप बहुत सारी और चीज़ें भी और ऑब्जेक्ट ले सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फ्लोट और सिंक में. अब हमें यहाँ पे करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, आयरन नेल सैंक इन द वाटर बट द कटोरी फ्लोटेड. आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, तो आपको पता है कि आयरन नेल तो पानी में डूब गई थी लेकिन कटोरी फ्लोट कर रही थी. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज नेल डिस्प्लेस लेस वाटर एंड द कटोरी डिस्प्लेस मोर वाटर. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नेल थी, आयरन नेल थी, उसने, वो छोटी सी आयरन नेल, बहुत कम वाटर डिस्प्लेस किया और उसका अपवर्ड फोर्स कम था, इसलिए वो डूब गई. लेकिन जो कटोरी थी, आपको पता है कि उसका शेप और साइज कितना बड़ा था, जिससे उसने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया, जिसके कारण उसका अपवर्ड फोर्स, पॉइंट फोर्स ज़्यादा था और वो पानी में तैरने लगी. एम्प्टी प्लास्टिक बोटल, इट फ्लोटेड ऑन वाटर. द बोटल फिल्ड विथ वाटर, इट सैंक. बिकॉज अब आपको पता है कि एम्प्टी प्लास्टिक बोटल तो तैर रही थी लेकिन जैसे उसे पानी से भर दिया तो वो डूब गई. अब ऐसा क्यों हुआ? द वेट ऑफ फिल्ड वाटर बोटल इज मोर देन द एम्प्टी बोटल. तो आपको पता है जब एम्प्टी बोटल थी तो उसमें उसका वेट कम था, तो उसमें डाउनवर्ड फोर्स भी कम था. तो डाउनवर्ड फोर्स कम था तो उसमें अपवर्ड फोर्स ज़्यादा रहा और वो तैरने लगी. लेकिन जैसे ही हमने बोतल को पानी से भर दिया तो हमने उसका वेट बढ़ा दिया, मतलब कि उसमें डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा दिया. लेकिन अपवर्ड फोर्स क्या था? जो उसने वाटर डिस्प्लेस किया वो अपवर्ड फोर्स था, लेकिन अपवर्ड फोर्स उसमें कम लगा, इसलिए वो पानी में तैर नहीं सका और डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो पानी में डूब गया. उसके बाद है एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड, इट वॉज स्प्रेड आउट. तो जो एल्यूमिनियम फॉयल था वो फ्लोट करने लगा जब वो फैला हुआ था, स्प्रेड था. व्हेन प्रेस टाइटली, और जब इसे हमने टाइटली प्रेस कर लिया था तो ये क्या हो गया था? सैंक हो गया, तो डूब गया था. दिस मे हैव हैपन बिकॉज स्प्रेड फॉयल डिस्प्लेस मोर वाटर एंड द टाइट बॉल डिस्प्लेस द लेस वाटर. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्प्रेड फॉयल थी उसने क्या किया? ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया क्योंकि वो स्प्रेड थी.
जिसके कारण उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स था और ये तैरने लगी। लेकिन जैसे ही हमने उसको बिल्कुल टाइट बॉल बना दिया तो बहुत टाइट हो गई और उसका डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया और उसने बहुत कम वाटर डिस्प्लेस किया क्योंकि वो बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, तो इसलिए उसमें अपवर्ड फोर्स भी कम लगा जिसके कारण वो पानी में डूब गई, सिंक हो गई। अब यहाँ पर जब आयशा सुबह उठती है तो उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होती है, तो उसकी अम्मी को फीवर होता है तो उसके अब्बू से कहते हैं, अब्बू उसकी मम्मी के लिए चाय बनाते हैं और उनको कुछ मेडिसिन देते हैं और वो आयशा से कहते हैं कि आयशा तुम कुछ एग्स बॉयल कर लो। तो वो जाती है, एक पैन में वो पानी रखती है और उसमें एग रखती है और उसे उसके फादर कहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लो। तो जैसे ही सॉल्ट डालती है तो गलती से उससे ज़्यादा सॉल्ट गिर जाता है पानी में, और तो वो देखती है कि जैसे ही उसमें सॉल्ट ज़्यादा गिर जाता है तो उसमें जो एग्स होते हैं वो बॉटम से उठ के सरफेस में तैरने लग जाते हैं। तो क्या बच्चों आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। I have taken two glasses with water. When I put this egg in this normal water, it sink. And when I put this lemon in this water, it also sink. And now I am adding salt in these glasses. Now, stir the salt gently. Now you can see in the both glasses, the lemon and eggs come up on the water surface and they both are floating on the water surface. But do you know why, how did this happen? This happened because of the density. Density, the weight of this water. As I add salt in this water, the density, the weight of the water increases. And as the weight of the water increases, the upward force, the buoyant force also increases. And the upward buoyant force, because of this buoyant force, they both are floating on the water surface. And when I increase the downward force, look at this. When I increase this downward force, the weight of the egg increase and it sink at the bottom. And when I remove this force, it float on the water surface because of buoyant force. This is called Buoyancy. तो बच्चों हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में एवरी ड्रॉप काउंट में हमने पढ़ा था कि हम ओशियंस और सी ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिनका पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि दे आर वेरी सॉल्टी, लेकिन हम इसमें डूब जरूर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के एक ऐसे सी, ऐसे लेक के बारे में जहाँ पे सिर्फ लेमन और एग ही नहीं फ्लोट कर सकते? अगर हम भी वहाँ जाएं और हमें स्विमिंग ना आती हो तब भी हम वहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन फ्लोट ऑन द वॉटर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स सी, दिस इज डेड सी। तो इस सी को कहते हैं, इस लेक को कहते हैं डेड सी, मृत सागर। तो आपको पता है इसे डेड सी क्यों कहते हैं? इसे डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई क्रीचर नहीं होता इसके इतना ज़्यादा सॉल्टी होने के कारण। और ये सिचुएटेड है यूरोप में, और यूरोप में इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टू कंट्रीज हैं, जॉर्डन एंड इसराइल। ये जॉर्डन और इसराइल की बॉर्डर बनाती है ये लेक डेड सी। सो दिस इज द नेचुरल वंडर डेड सी, एंड यू कैन फ्लोट ऑन दिस वाटर लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो रीड द न्यूज पेपर ऑन दिस लेक। तो ये बच्चों कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये ऐसे पॉसिबल हो पाता है कि इस वाटर की
डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। अब ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मीन्स इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि इसने इस वाटर के वेट को बढ़ा दिया है। तो आप जब इसमें जाते हैं तो आपके द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर का वेट आपके वेट से भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है और एंड वी कैन ईजिली फ्लोट ऑन दिस वाटर। कीप लर्निंग, कीप वॉक।